नमस्कार। शिखर सम्मेलन पंजाब के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन पंजाब का मंच पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में सजा हुआ है। सुबह से ये सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में मान सरकार ने कितने किए काम, नई सरकार में पंजाब कितना बदला, इसी को लेकर सुबह से पंजाब सरकार का रिपोर्ट कार्ड जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक के बाद एक खास मेहमान, उनके आने का सिलसिला यहां मंच पर लगातार जारी है। सरकार के मंत्रियों से लेकर विपक्ष के नेताओं तक सभी को अब तक आपने सुना। और अब बारी पंजाब सरकार के बेहद दिग्गज मंत्री, वो शख्सियत जिन पर, जिन दावों के दम पर आम आदमी पार्टी सरकार में पहुंची, उन दावों को पूरा करने का सबसे बड़ा दारोमदार है। जी हां, आप सही समझे, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा साहब। जोरदार तालियों के साथ चीमा जी का स्वागत कीजिए मंच पर। सर, बहुत स्वागत आपका। हरपाल सिंह चीमा, पंजाब के वित्त मंत्री, अब एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन पंजाब के मंच पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों। बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि पंजाब की जो सेहत है, आर्थिक सेहत, माली सेहत, वो कैसी है? देखिए, पंजाब की जो सेहत है, खासकर अपने माली सेहत जो है, वो पहले बहुत पुराने समय बहुत खराब थी। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सौंपी है, हमें सौंपी है। बिल्कुल पंजाब के खजाने की सेहत, पंजाब के खजाने की सेहत बिल्कुल हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और पूरे पंजाब में ईमानदार लोग, पूरे पंजाब के लोग जो हैं ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, और हमारा खजाना जो है उसकी जो सेहत है बेहतर हो रही है। लेकिन लग नहीं रहा ना, दावा किया था आपने महिलाओं को 1000 रुपए, क्या हुआ उस दावे का? देखिए, जितनी गारंटी हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने दी थी, उन गारंटियों पे हमारा काम जो है शुरू हो चुका है। पहला बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया। उस बजट में एजुकेशन के लिए कितना बजट बढ़ा, हेल्थ सेक्टर में कितना बजट बढ़ा, बहुत सारे हमने बड़े बड़े आंकड़े लेकर आए हैं। बिल्कुल, मैं आंकड़े लेके आया हूं। पहली बार हुआ है कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, जो हेल्थ की बात करते हैं, मेडिकल एजुकेशन रिसर्च की बात करते हैं, पंजाब बहुत पीछे था इसमें। 57% का इंक्रीज जो है हमने इस बार किया है। पहले 660 करोड़ रुपए इसका बजट होता था, इस बार जो है 1033 करोड़ रुपए का बजट पहली बार हमने किया, और 57% इसमें बढ़ोतरी हमने आम आदमी पार्टी की सरकार ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने इसमें की है। स्वास्थ्य बजट और बिल्कुल इससे आगे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं तो 24% का बड़ा इजाफा फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल और हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 16% जो उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ मैं अपना टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में 48%, इंडस्ट्री और कमर्स में पंजाब बहुत पीछे था, इंडस्ट्री और कमर्स के हमने बजट में 48% का बड़ा इजाफा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। इसी तरह यूथ एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं, पंजाब में किसी समय हर गांव में, हर मोहल्ले में स्पोर्ट्स के जो नौजवान थे हमारे दिखते थे, बहुत कम हो चुके हैं, उसमें हमने 52% उसमें बढ़ोतरी की है। सो बिल्कुल बड़े इजाफे जो हैं इस बार। नहीं, वो आपने बिल्कुल ये इजाफे बता दिए, आपने क्या आंकड़े बता दिए, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया। पंजाब की माताएं बहनें वो ये पूछ रही हैं कि साहब, चुनाव में मन से बड़े बढ़ चढ़ कर कहते थे साहब 1000 रुपए, और पूरे साल का बजट ले आए हैं, वो 1000 रुपए पी गए आप लोग? देखिए, साल नहीं देने वाले। देखिए मेरे को, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वादा किया था, पहली जो हमारी गारंटी थी, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पहली गारंटी क्या दी थी कि 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के, हर पंजाब के हर घर को हम मुफ्त देंगे। बिल्कुल वो वादा 1 जुलाई से पूरा कर दिया, और सब लोगों को, पंजाब के लोगों को 300 यूनिट जो है मुफ्त मिलनी शुरुआत हो गई है। लेकिन ये जो आपका पहला वादा है बिजली वाला, एक सेकंड, इसी वादे को लेकर यहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब वो वादा तो बड़ा वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, अब वो 300 यूनिट मुफ्त भी सब परिवारों को नहीं दे रहे हैं, उसमें भी ढेर सारी शर्तें लगा दी हैं।
देखिए बिल्कुल जो विपक्ष बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जब पहला बिल आएगा लोगों को, पहला इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उस लोगों को पता चल जाएगा कि लगभग पंजाब के 85% जो लोग हैं वो उसमें कवर कर रहे हैं। विपक्ष झूठ बोल रहा है, आज तक विपक्ष ने पंजाब में क्या किया। और इसके बाद दूसरा बड़ा वादा था पंजाब के लोगों के साथ, जो हमारी गारंटी थी वो थी हमारी पंजाब के लोगों को अच्छी एजुकेशन देने की बात थी, वो उस गारंटी पे हमने काम शुरू कर दिया, उसका बजट हमने बढ़ा दिया। और तीसरी गारंटी थी कि पंजाब के लोगों के साथ सेहत की, हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने की, उसमें बड़ा इजाफा कर दिया। और बिल्कुल इसी के साथ एक और बड़ी गारंटी जो हम पंजाब के लोगों को दी थी कि हम जब सरकार आएगी तो पंजाब में जो MLA एक बार जीता या 7 बार जीता उसकी 7 पेंशन थी, उसको 7 पेंशन पंजाब में मिलती थी, वो एक पेंशन हमने कर दी। सो इसी के साथ मेरा कहने का भाव है कि हमने जितनी गारंटियां दी थी उनमें 90% गारंटियों पे हमारा काम शुरू हो गया। आपकी जो बात है कि तो महिलाओं मतलब की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, बिल्कुल जो वादा जो गारंटी 1000 रुपए की हमने दी थी उस गारंटी को भी हम जल्दी पूरा करेंगे। हमारा खजाना, फिर वहीं पे बात आती है, खजाना जो हमारा है जो भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, GST काउंसिल जब आई है, GST रिजीम आया, आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट टाइम जो GST रिजीम था वो पंजाब में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। और सेंट्रल सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमिटमेंट की स्टेटों से कि आपका जो रेवेन्यू है जेकर डिप करेगा, कम होगा, आपका खजाना नहीं भरेगा स्टेटों का, तो हम 14% जो है उसमें कंपनसेशन कौन करेगा, केंद्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। पर लेकिन बड़े अफसोस की बात कि पंजाब में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, इन 5 साल में 1% भी अपने पैरों पर स्टेट कैसे खड़ा हो, पंजाब का रेवेन्यू कैसे बढ़े, 1% भी उन जो विपक्ष वाले बोल के गए हैं ना, जो आप बोलते हैं, जब आगे आएंगे उनसे पूछिए कि 5 साल में आपने कौन सा एक भी स्टेप लिया कि पंजाब का खजाना भर जाए, पंजाब की जो खजाने की सेहत है वो ठीक हो जाए। पहली बार हुआ है सरकार बनने के बाद, एक्साइज की पॉलिसी जिसको बहुत सारे नेताओं ने बोला भी होगा, चल रही है बात, एक्साइज की पॉलिसी में पहले पिछली बार कितना रेवेन्यू था, 6200 करोड़ था, हमने टारगेट किया है इस साल 96 करोड़ का टारगेट किया है, 96 करोड़ 100 का मतलब हमने टारगेट किया। पहले क्या था, ये 25 साल बाद लगभग 25 साल बाद पॉलिसी में चेंज लेके आए। इससे पहले कौन थे पंजाब में, अकाली दल था, बीजेपी का एक अलायंस था, कांग्रेस पार्टी थी, ये इतने बड़ा, इतना बड़ा हमने जंप किया क्यों। मेरा हमारे पास समय है, हमारे पास समय है, मुझे लगता है हम आराम से तसल्ली से, ताकि ऐसा ना हो ना कि बस सतही बातें करके हम लोग चले जाएं, आराम से तसल्ली से बात बोले बोले। चलिए एक्साइज ड्यूटी वाली बात से शुरू कर लेती हूँ, एक्साइज पॉलिसी वाली बात से। ठीक है, आप कह रहे हैं साहब आप नई एक्साइज पॉलिसी लाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट भी लग गई है। हकीकत तो ये है कि ऐसे एक नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार भी लेकर आई थी और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू टर्न दिल्ली सरकार ने ले लिया है, वो नई वाली एक्साइज पॉलिसी वापस कर ली है, ऐसा पुरानी वाली लागू होगी, तो कहीं यही करना ना पड़ जाए आपको पंजाब में भी। देखिए जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है उनके खिलाफ कोई भी हाईकोर्ट में जा सकता है, सभी को अधिकार है अपना अपना, पर लेकिन जितने हमारी बिट्स थी या जितनी हमारी जो शॉप्स थी वो पूरी की पूरी पंजाब में 100% उनकी सेल हो चुकी है, उससे रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो गया है। सो जितनी मर्जी मैं बार बार बोल रहा हूं, अपोजिशन जितना मर्जी बोलती रहे, पर लेकिन हमारी जो एक्साइज की पॉलिसी है पंजाब की वो सक्सेसफुल है और उसमें जो हमारा रेवेन्यू है पंजाब में रेवेन्यू बढ़ रहा है। इससे पहले क्या होता था पंजाब में, मैं आपको बता दूं कि आपके कैमरों ने भी कभी कवर किया है कि हरियाणा की शराब आके पंजाब में बिकती थी, चंडीगढ़ की शराब पंजाब में जाती थी, राजस्थान की शराब पंजाब में आती थी, जम्मू कश्मीर हिमाचल की शराब पंजाब में आती थी, जो जो इलाके इन स्टेटों से लगते हैं वहां वहां से शराब आके पंजाब में बिकती थी। ये पहली बार हुआ है कि उस माफिया के खिलाफ, जो शराब का माफिया था उसके खिलाफ सरकार ने एक नई पॉलिसी लेके आए हैं और उस नई पॉलिसी से पंजाब के खजाने को फायदा होगा, पंजाब के लोगों को फायदा होगा। वो पैसा आएगा कहां, पैसा जब आएगा उसी पैसे से जो जितनी गारंटियां हमने दी हैं, जितनी गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने दी हैं, उन गारंटियों को पूरा करेंगे, लोगों का पैसा लोगों पर लगाएंगे। बिल्कुल, तो वो पैसा
तो जाहिर सी बात है चाहिए ही जितने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए। आपने स्वास्थ्य के बीच में बात की, अच्छा ये आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं कि साहब वो जो सेवा केंद्र हैं वो तो पहले से ही थे पंजाब में, वो जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं अब आप उन पर नया ठप्पा लगा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, और ऊपर से आप एक एक मोहल्ला क्लिनिक पर 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए जो सेवा केंद्र की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार में पंजाब में बने थे और उसके बाद इनमें 90% जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़े थे, उनको ताले लगे हुए थे, अच्छा। उनको जर लग रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो रहे थे। उनको हमने उन जो बिल्डिंग हमारी है पंजाब सरकार की है, पंजाब के लोगों का पैसा लगा है, बिल्कुल जहां भी हमें कोई बिल्डिंग मिलती है उसको हम मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करते हैं, और जहां कोई नए बनाने हैं वो नए भी बनाएंगे। ये नहीं कि उनको ही करेंगे, वो इतने नहीं है कि पूरे पंजाब में उनका मतलब सर जाए हमें, बिल्कुल जो नए जहां नए बनाने हैं नए भी बनाएंगे, जहां पुराने हैं पुराने भी उनको भी ठीक कर रहे हैं। आप देखिए, आप जाके देखिए कि जो इनके सेवा केंद्र थे उनके हालात कैसे होते, खंडर बन चुके थे, मतलब खंडर आप कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड है, खंडर बन चुके थे। नहीं, कई जगह पे 20 लाख लगे हैं, कई जगह तो 2 लाख में भी सर गया, कई जगह तो 50,000 में भी सर गया। ये एक एग्जांपल देके ये ना कहिए कि पूरे के पूरे में 20 लाख लग रहे हैं, कई 50,000 भी लगे हैं, कई कई जगह पे कुछ भी पैसा नहीं लगा। सो बिल्कुल सरकार जो है पंजाब में मैं देख रहा हूँ हमारी सरकार जो है एक एक पैसा बचा रही है। हम पैसे बचा के पंजाब का जो खजाना है उसको जब भर रहे हैं तभी लोगों के काम होंगे। ठीक है, मैं तो पूछूंगी ना आगे आपसे, जी आपका कि पैसे जो है वो कहां से और आएंगे। आप पहले ही बता रहे हैं कि कैसे बूंद बूंद जो है वो भरकर ही कहीं ना कहीं घड़ा पूरा भरेगा। आप मुझे सर ये बताइए, आप पंजाब के वित्त मंत्री हैं, अच्छा एमएसपी को लेकर, क्योंकि पूरा किसान आंदोलन हमने देखा यहीं पंजाब की जमीन पर किस तरीके से आगे बढ़ा, अब एमएसपी को लेकर जो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है उस पर पंजाब के किसी भी किसान संगठन से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है, आपको क्या लग रहा है, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस केंद्र की कमेटी से? आपकी तरफ से कोई केंद्र सरकार को इस बारे में सलाह दी जाएगी क्या, इसको लेकर आपने कोई पहल की है क्या? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पंजाब में और हरियाणा को जी दो स्टेट हैं देश में जिन स्टेटों में एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जिन स्टेटों में जो परचेज होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है। जब 3 ब्लैक लॉज आए थे उसके खिलाफ पंजाब के किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, पंजाब का किसान जाके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ पूरा एक बहुत बड़ा देश में संघर्ष हुआ था और बड़ा एक लंबा समय उस संघर्ष में लगा, और उसके बाद हरियाणा स्टेट आया, उसके बाद यूपी बिहार बहुत सारे स्टेटों के किसान थे, तो उसमें आके उस संघर्ष में उन्होंने अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना जो हिस्सा पाया, और उसके बाद देश की जो बीजेपी की सरकार है मोदी साहब ने वो तीनों ब्लैक ला जो वापस लिए। देश में सबसे ज्यादा जब देश में गरीबी थी, जब देश में भूखमरी थी, सबसे ज्यादा हिस्सा किसने पाया, जो नेशनल हमारा हमारी जो जहां अनाज जाता है वहां पे उस अनाज में सबसे ज्यादा हिस्सा किसने पाया, पंजाब ने पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टेट में आई, पंजाब स्टेट में आई, उस ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह की बजाय उसकी उस कारण उस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पंजाब का पानी तो जो धरती वाला पानी था वो बहुत नीचे चला गया। सो मेरा कहने का भाव, पूरे देश में जब अनाज की कमी थी तो पंजाब ने देश का साथ दिया, हरियाणा ने देश का साथ दिया, आज केंद्र सरकार जो है एमएसपी को खत्म करने के लिए एक साजिश रच रही है। बिल्कुल हम इसको नेशनल लेवल पे हमने रेज किया है, हमारे मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने रेज किया है, हमरे ने रेज किया है, बिल्कुल इस पर हम पंजाब की जो है प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पंजाब की ना तो पंजाब के किसी किसान को लिया ना पंजाब स्टेट को लिया, इसका मतलब क्या है कि बीजेपी जो है वो एमएसपी को खत्म करने की साजिश रच रही है, जी बिल्कुल पंजाब को बर्दाश्त नहीं होगा। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि बीजेपी एमएसपी को खत्म करने की साजिश रच रही है। अगला महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है सर कि अभी क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी बस 2-3 महीने के बाद वो अक्टूबर नवंबर वाला सीजन आने लगता है जब दिल्ली का दम घुटने लगता है, और अभी तक दिल्ली वाले ये आरोप लगाया करते थे कि साहब ये पंजाब हरियाणा के किसान हैं, पराली जलाते हैं और इनके धुएं से दिल्ली का दम घुट रहा है। अब तो सर दोनों तरफ आप ही लोगों की सरकार है तो दिल्ली वालों का दम ना घुटे उसके लिए आपने क्या योजना तैयार की है? बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है कि पंजाब के जो मैंने बजट पेश किया उसमें 200 करोड़ रुपए हमने इसका प्रावधान किया है कि पंजाब के किसानों से पराली साड़ने से रोकने के लिए क्या क्या उसके लिए काम किया जाए, और हमने बिल्कुल ही थोड़े दिन पहले एक बड़ी योजना
जो बना के केंद्र सरकार को भेजी है, एयर क्वालिटी कंट्रोल को भेजी है, एयर क्वालिटी कमीशन को भेजी है कि 500 रुपए जो है किसान को प्रति एकड़ पंजाब सरकार देगी और दिल्ली सरकार, अच्छा दिल्ली सरकार 500 रुपए जो है प्रति एकड़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।